सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है। दिवाली की सेलिब्रेशंस के साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि इस साल COVID-19 की वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो भी हम इस साल गिफ्ट्स ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या फिर दिवाली का कोई भी सामान ले रहे हैं, वो इंडियन ब्रांड्स का हो, ताकि अपने घर का जो पैसा है वो घर में ही रहे। घर माने इंडिया। ओके, सो गाइज, मैं तुम्हें कुछ आइडियाज देने वाला हूँ कि इस दिवाली तुम क्या खरीद सकते हो। ये सब इंडियन ब्रांड्स का है, तो देश का पैसा देश में ही रहेगा और ये सारी चीजें बहुत यूजफुल भी है। तो शुरू करते हैं यार। ये चीज सबके साथ होती है कि जब हम कोई ईयरफोन लेते हैं तो उसकी एक वारंटी होती है, और वारंटी तक तो वो बहुत सही चलता है, और जैसी वारंटी खत्म होती है फिर उसके बाद वो ईयरफोन या हेडफोन खत्म होने लग जाता है। सो जनरली दिवाली पे ईयरफोन और हेडफोन्स बहुत खरीदे जाते हैं। ईयरफोन्स और हेडफोन्स खरीदते वक्त बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि JBL लें या बोट लें। ठीक है, JBL versus Boat, JBL versus Boat. So I would say कि Boat लो। देखो, मैंने JBL भी यूज किया है, मैंने Boat भी यूज किया है, और दोनों के दोनों बहुत ही सही हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। Then why I prefer Boat? Because it is an Indian brand. JBL का पैसा जो है वो अमेरिका जाता है, Boat का पैसा तुम्हारा इंडिया में रहता है, इसलिए इंडियन ब्रांड यूज करो। चाहे तुम उसमें वायरलेस ईयरफोन ले रहे हो, चाहे तुम उसमें वायर्ड ईयरफोन ले रहे हो, चाहे हेडफोन्स ले रहे हो, चाहे कुछ और भी। गाइस, दिवाली पे क्योंकि हम सामान खरीदते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर हमें कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में, जैसे कोई खाने की चीज या कोई हैबिट चेंज करनी है, तो वो दिवाली पे स्टार्ट करते हैं। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हम खरीद सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल डेज में नहीं स्टार्ट कर पाते, वो है अपना ऑयल को चेंज करना। सो कौन कौन से ऑयल तुम खरीद सकते हो? देखो, खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑयल होता है कोकोनट ऑयल, और वो पैराशूट का तुम्हें मिल जाएगा, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, तो दैट आल्सो हेल्प्स। ओके, दैट्स अ वेरी गुड ऑयल। सो लेकिन ये तो काफी लोग करते ही हैं, सर पे भी लगाते हैं, लेकिन खाने में भी तुम यूज कर सकते हो। बट दिवाली के लिए स्पेसिफिकली एक और चीज है जो तुम कर सकते हो, वो क्या है कि तुम ऑलिव ऑयल ले सकते हो। कार्मिक बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल है। इन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाहर जाने के लिए अभी भी COVID-19 का जो पैंडेमिक है वो खत्म नहीं हुआ, तो सब कुछ ऑनलाइन डिलीवरी अभी भी चल रहा है। सो मैंने ऑनलाइन हर चीज के लिंक डाल रखे हैं जो चीज मैं बता रहा हूँ। तो जो कार्मिक का ऑलिव ऑयल है वो बहुत अच्छा, और कार्मिक भी एक इंडियन ब्रांड ही है, सो यू कैन यूज दैट। और ऑलिव ऑयल को यूज कैसे करते हैं, तो याद रखना ऑलिव ऑयल जो होता है वो ड्रेसिंग के लिए यूज होता है रादर देन कुकिंग के लिए। तो उससे ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग माने जो तुम जैसे सैलेड वगैरह पे या फिर कोई तुमने कुछ बनाया है, कुछ स्नैक बनाया, उसके ऊपर डालने के लिए। नेक्स्ट, यार ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं दिवाली के टाइम पे, तो कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट लिया जाए, क्या लिया जाए? सो ब्यूटी प्रोडक्ट की ब्रांड सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांड, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत खराब निकलते हैं, बहुत कम होते हैं जो अच्छे निकलते हैं। सो कौन सी ब्रांड यूज करें, और वो भी इंडियन और वो भी नेचुरल। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो जस्ट मार्केटिंग करते हैं कहीं और का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो जस्ट मार्केटिंग जब करती है तो वो ये सब नहीं बताती। लेकिन बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी हैं इंडिया में, और रिसेंटली ऐसी कंपनीज में काफी रेज आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज इमर्ज हुई हैं। मैं कुछ तो मैं एग्जांपल्स देता हूँ इन कंपनीज के। देखो, नंबर वन कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स मैं भी यूज करता हूँ वो है खादी। खादी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत इशू आता है कि खादी के जो ओरिजिनल ब्रांड है उसके साथ बहुत सारी फेक ब्रांड्स भी आती है जो कि खादी के ही नाम से आती है, तो खादी को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए एक दूसरी ब्रांड का मैं तुम्हें नाम बताता हूँ, वो है बायोटिक। बायोटिक भी बहुत अच्छी ब्रांड है, उसके भी काफी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और सब इंडियन ब्रांड्स है। ठीक है, और एक तीसरी ब्रांड एक और का नाम बताता हूँ, क्योंकि बायोटिक में भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें कहीं लोग को समझते हैं, हालांकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। तीसरी जो है वो है एरोमा मैजिक। और भी बहुत सारी ब्रांड होंगी, लेकिन मैं इन्हीं तीनों ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों ब्रांड मैंने और मेरे घर वालों ने भी यूज करी है, मेरे फ्रेंड्स ने भी यूज करी, और इनका मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला। मैं वो अमेजोन पे डले हुए रिव्यूज पर इतना बिलीव नहीं करता इन सब चीजों में, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पेड भी होते हैं। सो मुझे अपने घर वालों के रिव्यूज थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तीनों के बेस्ट प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए उनके लिंक्स। अब आते थोड़े अलग चीज में, जिसकी आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को नॉलेज थोड़ी कम होती है, वो होता है मैट्रेस, यानी कि गद्दे। दिवाली पे गद्दे खरीदना इज अ वेरी गुड आइडिया। सो यार, गद्दों के ऊपर तो पूरी पूरी वीडियोस बनाई जा सकती है, बहुत टाइप के गद्दे होते हैं, उनको सिलेक्ट करना भी बहुत इतना आसान नहीं होता। पर मैं बेसिकली तुम्हें इंडिया में जो यूज किए जाते हैं गद्दे, वो मैं तीन गद्दों के एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला गद्दा है वो है ड्यूअल कम्फर्ट मैट्रेस, जो तुम्हें नॉर्मली दिखता है, जो बेड्स पे नॉर्मली हम लोग लेते हैं, और थोड़ा चीप भी आता है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दो लेयर होती है फोम की, और बीच में कुछ मटेरियल होता है। वो मटेरियल अगर अच्छी क्वालिटी का है तो फाइबर होगा, अगर वो बेकार क्वालिटी का है तो थर्माकोल होगा। माइंड इट, थर्माकोल वाला मत लेना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उस पर सोना ही नहीं बस रोना होता है, वो बहुत ही खराब होता है। बट फाइबर वाला फिर भी बेटर होता है, एंड वो बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत कॉमन यूज होते हैं। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। स्प्रिंगटेक इज द ब्रांड, इट्स अ गुड ब्रांड, इंडियन ब्रांड है, तुम उसके गद्दे ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरे गद्दे आते हैं जो इनसे भी बेटर है, वो आते हैं प्योर कॉटन के गद्दे। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं पर्सनली कॉटन का गद्दा ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू दीज, एंड जनरली ज्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो कॉटन का ले। लेकिन कॉटन के साथ एक रिस्क आता है,
वो ये होता है कि कॉटन के गद्दे को तुम्हें रिनोवेट कराना पड़ेगा बार बार, 2 साल में वो खराब हो जाएगा, 2 साल में दब जाएगा, तो तुम्हें से बार बार ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा होता है, कॉटन जो है वो सबसे पुराना गद्दा है, मतलब ये सब तो अभी इन्फेंट्स है एज कम्पेयर टू कॉटन गद्दा। कॉटन इतना पुराना गद्दा है। कॉटन का गद्दा कहाँ से खरीदेंगे, इसका मैंने कोई लिंक नहीं डाला, क्योंकि मुझे अमेजोन पे जब मैंने देखा तो बहुत सस्ते कॉटन के गद्दे मिल रहे थे, लेकिन जब मैंने खुद अपना गद्दा बनवाया था, मैंने बाहर से बनवाया था, मैंने ऐसे कोई खरीदा नहीं था, तो उसमें अपनी कॉटन मंगवा कर और अपना कपड़ा बनवा के उससे बनवाया था, सो वो काफ़ी महंगा पड़ा था। सो आई एम नॉट श्योर कि वो किस क्वालिटी का सामान यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनका कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाला। अगर तुम्हें कॉटन का गद्दा लेना है तुम खुद बनवाओ या फिर खुद किसी अच्छी जगह से खरीदो, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट गद्दे। यार तुम कभी होटल्स में गए और तुमने देखा कि होटल्स के गद्दे इतने सॉफ्ट इतने मज़ेदार क्यों होते हैं, उन पे सोने पे इतना मज़ा क्यों आता है, ऐसा क्या है उन गद्दों में? तो वो ये तीसरे क्वालिटी के गद्दे होते हैं, वो होते हैं प्योर फोम के बने हुए। उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत महंगे होते हैं, बट बहुत अच्छे होते हैं वो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, तुम चाहो तो वो खरीद सकते हो, बट अगर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ है कि अगर तुम्हें खरीदना है तो जाके पहले खरीद कहीं देखो तब जाए खरीदना। मैं तो यार इसे अफोर्ड नहीं कर पाया आज तक, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो इट्स अ मस्ट बाय, बिकॉज लाइक होटल वाला गद्दा तुम्हें घर पे मिलेगा, इट्स अमेजिंग। उसके अलावा यार और बहुत टाइप के गद्दे और तुम्हें मार्केट में मिलेंगे, जैसे ऑर्थोपेडिक गद्दे होते हैं, मेमोरी फोम, ये सब होता है, लेकिन ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, बिकॉज अभी मैं तुम्हें सिर्फ जनरल आइडिया बता रहा था इन तीन टाइप के मेन गद्दे जो इंडिया में यूज होते हैं। नेक्स्ट, आजकल के टाइम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर मैं अपने खिड़की से बाहर देखता हूँ तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिख रहा है मुझे, तो एयर प्यूरीफायर आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम वो भी खरीद सकते हो। अच्छा, अब वो किस कंपनी का खरीदेंगे, तो वो खरीदेंगे हम BPL का, ये भी इंडियन कंपनी है। अब BPL का जो नाम है वो है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, ये नाम से ब्रिटिश है बट है इंडियन कंपनी। ऐसा गाइस होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि तुम्हारी नाम से फॉरेन होगी लेकिन इंडियन होगी, और कुछ ऐसी कंपनीज भी तुम्हें देखेंगे जो नाम से बहुत देसी लगेंगी लेकिन एक्चुअली में अब्रॉड की होगी। दिस इज वेरी कॉमन, सो बी केयरफुल, पूरा इन्फॉर्म डिसीजन लेना कभी भी अगर तुम्हें कुछ भी ऐसी शॉपिंग करनी है तो ब्रांड्स के बारे में। BPL का एयर प्यूरीफायर मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके देखना उसे, और तुम्हें अच्छा लगे तो तुम खरीदना भी, ठीक है। बहुत महंगा होता है लेकिन आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेरा फेवरेट और सबका फेवरेट वो है कपड़े। कपड़े कहाँ कैसे खरीदें? नाउ कपड़ों में भी बहुत सारी ब्रांड्स और सारी मोस्टली बाहर की हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है अच्छे इंडियन कपड़े खरीदने का, वो है कि तुम कपड़ा अलग से लो और फिर उसे सिलवाओ। इसमें टाइम लगता है लेकिन इससे तुम्हारे जो क्लोथ की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू तुम्हारे रेडीमेड से। मैं बता रहा हूँ सीरियसली, काफी अच्छे कपड़े, इवन नॉट जस्ट कपड़े, तुम जूते भी चाहे तो मटेरियल लेके तुम खुद सिलवा सकते हो, जीन्स अपने सिलवा सकते हो, सब कुछ सिल जाता है, बस तुम्हें मार्केट में उतरने की जरूरत है। सिला हुआ, खुद स्टिच करवाया हुआ इज ऑलवेज बेटर देन द रेडीमेड स्टफ, ठीक है। लेकिन जो टी शर्ट्स होती हैं और ऑफकोर्स इनर वेयर्स भी, ये तुम रेडीमेड भी ले सकते हो। इसका एक बहुत अच्छी ब्रांड है बेवकूफ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास बहुत सारी, मैं अब तो इनफैक्ट टी शर्ट्स अगर मुझे लेनी है तो मैं बेवकूफ की लेता हूँ, और वो सारी की सारी टी शर्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, तो और काफ़ी सस्ती भी हैं। मतलब बाहर की मुझे कुछ कंपनियों में बहुत महंगी महंगी लगी, लेकिन इसकी बहुत सस्ती है, तो बेवकूफ की भी ट्राई करना, ठीक है। अब आते हैं लास्ट चीज़ पे जो तुम इस दिवाली खरीद सकते हो, वो है किताबें। अब किताबों का यार मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया किताबों के बारे में। वो एक ऐसी फ्रेंड है, उसने इतनी किताबें पढ़ी हैं जितनी आज तक लिखी भी नहीं गई हैं। उसका इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है, शेल्फ नॉट टेकन, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे जाके फॉलो करना। उसने जो किताब बताई है वो है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स बाय चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी। कहानी का उसने ओवरव्यू तो मुझे बहुत अच्छा दिया था कि ये इट्स द स्टोरी ऑफ रामायण बट फ्रॉम सीता पर्सपेक्टिव, सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, एंड जब इस पे मूवी बनेगी अगर बनी तो मैं जरूर देखूंगा। उसके इंस्टा पेज को भी देखना यार, उसने बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर तुम्हें किताबें पढ़नी पसंद है तो तुम्हें जरूर पसंद आएगा वो। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट क्या था, और अगर तुम्हें कोई और दिवाली का आइडिया मिलता है तो जरूर इसे कमेंट सेक्शन में बताना कुछ इंडियन ब्रांड्स के साथ। सो हैप्पी दिवाली गाइस, हैव अ सेफ दिवाली एंड गॉड ब्लेस यू।